Ladies and gentlemen, he is the Anban Shan and Sultan of your team. Please welcome Kuchina Giants. राजस्थान के पड़ोसी राज्य यानी कि गुजरात के गुजरात जायंट्स अपने सुल्तान फजल अतराचली के नेतृत्व में अपने जीत के काफिले को बरकरार रख सकते हैं। हालांकि पिछला मुकाबला काफी निराशाजनक गया था उनके लिए, एक बड़ी हार, लेकिन फजल अतराचली 456 टैकल पॉइंट्स ब्रो कबड्डी के करियर में, ना कोई इनके आगे है ना कोई आ सकता है जिस तरीके के लक्षण है। सुल्तान फजल एक बार फिर से जीत को कायम रखकर अपने टॉप सिक्स की दावेदारी को बरकरार रखने के लिए तैयार है और उनकी टीम में भी बखूबी उन्हें साथ मिल रहा है। They know what it takes to be champions. Coming forth from the north, here is Dabon Delhi. नवीन जमीन जड़ हुए थे, सवाल था उनके बिना टीम कैसे खेलेगी। ये खेले नहीं है, ये उड़े हैं और सामने वालों को उड़ाया। वो सवाल, उसका वजूद अब बेमानी हो चुका। पिछले 7 मैचेस में अनबीटन ये दबंग जाबाजों की तरह खेले, खूब उड़े हैं। जीत से बड़ा कोई नशा नहीं, एक एकजुटता से बड़ी कोई अदा नहीं। एक बार फिर से उसी कॉन्फिडेंस से, उसी एकाग्रता से इन तालियों के बीच मैच पर सेटल हो चुके हैं दिल्ली और उनके दबंग। अब देखेंगे तो पिछले 5 मुकाबले में टाई, पिछला मुकाबला उससे पहले लगातार जीत का सफर। सिक्का उछला थोड़ी देर पहले और गुजरात ने टॉस जीता। काम पहली रेट डालेंगे दूसरे हाफ में, मुकाबले की पहली रेट दबंग दिल्ली उनका विजेता। जी हाँ, ये टीम्स की जंग तो है ही, ये कोचिस के बीच भी एक जंग है। राम एक तरफ, दूसरी तरफ रामवीर खोखर। लाइन खींच चुकी है, बिसात बिछ चुकी है, ये मुकाबला शुरू होने की दहलीज पर है। जी हाँ, जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था, रॉकस्टार सुपरस्टार आशु मलिक पहली रेड में और फजल अतराचली के पास कतई नहीं जा रहे हैं। जैसी नंबर एक सुल्तान के नाम, सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स इतिहास में सुल्तान के नाम, 4-1 से ये मुकाबला हेड टू हेड में आशु के नाम, फजल उसको भूलेंगे नहीं। और पिछले 5 मैचों में लगातार विजयी रथ कायम रहा है। इस बैटल में ऋषांग दूर रह रहे हैं, मगर किक लगाई है, किक लगातार इनका बहुत फेवरेट गहना रहा है। बिल्कुल, बहुत स्किलफुल है आशु। हालांकि पहली रेड में कुछ ज्यादा जोखिम लिया नहीं, अपना फुटवर्क बना के फिर से लौटे राकेश आए रेड में। आज देखना होगा, एक मैच के बाद रेस्ट मिला था उनको और आज मौका मिला है फिर से दोबारा खेलने का, अपना प्रदर्शन दिखाने का। ब्लॉक हुए आशु, माफ कीजिएगा राकेश, और यहां पर बोनस जरूर ले लिया गुजरात जायंट्स को, एक पॉइंट मिलेगा। दबंग दिल्ली ने भी अपना खाता खोला इस बार। बिल्कुल, रनिंग बोनस की कोशिश थी, बोनस बहुत ही बेहतरीन लिया, पर विक्रांत का जो डैश था बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल, नीतू लगातार अच्छे फॉर्म में दिखे, पिछले मैच में अच्छा करके दिखाया था, आज वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पहले ही फुटवर्क में बोनस लिया, उसके बाद ये फसल को टो टच करके दबंग दिल्ली ओनली क्लियर बोनस हुआ है, कॉन्फिडेंस दिखाई दी है, पर ये टो टच बहुत ही जबरदस्त नीतू का। जी हाँ, प्रतिभावान हमेशा से रहे हैं, मगर उस प्रतिभा को परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं किया है। आप क्रिटिक से बात कर लीजिए, कोचेस से बात कर लीजिए, टीम ओनर से बात कर लीजिए, सबकी निगाहें इस खिलाड़ी पर रहती थी। अगर कुछ नहीं दिखती थी तो मीतू की परफॉर्मेंसेस दिखने में बहुत बढ़िया, लय बहुत बढ़िया, कभी भयभीत नजर नहीं आते। जिस तरह से मीतू को साथ मिल रहा है, उस तरीके से प्रतीक दहिया को भी करके दिखा रहा होगा, चुपकी लगाने की कोशिश, लेकिन एकजुट दबंग दिल्ली का डिफेंस। दबंग दिल्ली के डिफेंस ने हमेशा प्रभावित किया है। अब जिस तरह से मोहित और विक्रांत ने ये चेन टैकल, बहुत ही सॉलिड दिख रही है टीम, शुरुआत से ही डोमिनेंट दिख रहा है डिफेंस का। और जी हाँ, ये हौसला उन जीत का दोनों कोचेस देखते हुए, 4 के डिफेंस में किसी भी रेडर के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बड़ा नाम आशु मलिक ही क्यों ना हो, आपके लिए ज्यादा आपको ट्रेवल करना पड़ता है, डीप जाने की कोशिश होती है। पैर दिखाया, हाथ से कमाल किया, और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा आशु जो है वो स्टेप अप करते हैं। 4 और 5 के डिफेंस में हो या डू और डाई रेड हो, आशु हमेशा जिम्मेदारी लेकर जाते हैं, और ये बेहतरीन हैंड टच नाभि बख्श के ऊपर। ज्यादा पंगा लेने की कोशिश है नहीं, जैसा कि आप कह रहे थे निशांक, अगला जो रेड होने वाला है, सुनाई हो गई और नतीजा भी घोषित, सुपर
का टैकल नगर की जकड़। बहुत ही जबरदस्त टैकल ये सोमवीर का। मौका दिया मेटू ने, रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी, मौका देखते ही वो दोनों पैरों पे जाके रोका मेटू को। और अगली डू और डाई रेड होने वाली है। डू और डाई यानी रोमांच परंपार, क्या डूबी रेडर की कश्ती या लगेगी उस पार। आपको 30 सेकंड मिलते हैं, आप खुद अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेके चलते हैं। एक पॉइंट की बढ़त आपके पास। रनिंग हैंड टच क्लेम कर रहे हैं, दावा है राकेश का इस रनिंग हैंड टच का। और यहां पर वो पॉइंट दे दिया गया राकेश को। कमी खल रही थी राकेश की, लेकिन राकेश के आते ही रेडर्स बेहतरीन दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच मोहित के ऊपर। राकेश ने शायद हाथों को टच किया है मोहित के। दबंग दिल्ली 4 गुजरात जायंट्स 4, रोमांच अपरंपार, फजल अथरा चली, रेडार पे उनके जरूर होंगे। जंप करने की कोशिश, मगर उन्होंने कहा काट दूंगा पर तुम्हारे रोक दूंगा इस उड़ा को, पर कटाने पर कभी। क्या बाज उड़ा करते हैं, शाबाश दीपक। मंजीत रोके गए इस बार और इस टैकल के जरिए निशान। बिल्कुल लो गए थे दीपक, बहुत मंजीत को एस्केप करने का मौका दिया नहीं, वो जंप लगाने की कोशिश थी और वो एंकल होल्ड जो था बहुत ही बेहतरीन दीपक का। शुरुआती तौर पर दबंग दिल्ली के रेडर्स ने फजल, नबी बख्श सबको बाहर कर दिया था, लेकिन वापस रेडर्स ने रिवाइव किया है। एचएस राकेश जिनका आना शायद गुजरात जायंट्स के लिए नई प्रेरणा बन सकता है, लेकिन यहां पर एचएस राकेश को रोक लिया गया। एक बार फिर से योगेश का कमाल। और इस टीम की सही मायने में अगर कहीं जान बसी है तो वो कॉर्नर्स में। बिल्कुल, और योगेश ने हमेशा प्रभावित किया, सिंगल आते डैश पे, जिस पावर से वो डैश करते मुश्किल हो जाता है रेडर के लिए एस्केप करना। कहीं दोनों ही पक्ष में एक एक पॉइंट बांटने की स्थिति तो नहीं है। ओ, क्या उससे पहले टच हो गया? बिल्कुल, आशीष को आउट दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट होने के पहले आशीष का जो पैर है वो एंड लाइन को क्रॉस कर गया था। आशु मलिक पहले फेज में 67% इफेक्टिव रहते हैं, स्ट्राइक रेट उनकी बेहतरीन। यहां कोशिश की गई लेकिन गुजरात जायंट्स का सामूहिक डिफेंस रुक गया। दीपक एक बार फिर से शानदार, अगर आप देखेंगे टाइमिंग, वो टाइमिंग का सारा खेल था, कब चेंज छोड़ी। रॉफ सुपर टैकल, एक बनाम दो किक विक्रांत पर, विक्रांत थोड़े से अवॉइड करते हुए बॉल पॉइंट, और विक्रांत यहां पर सेल्फ आउट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ यहां और आउट की परिस्थिति, महीन सा वो मिड लाइन पर टच, ऑल आउट कर दिया गया है घोषित यहां पर दबंग दिल्ली। ऑल आउट, जिंदगी में घर बनाने का, अपनी पहचान बनाने का मौका आपको सिर्फ एक बार मिलता है। कबड्डी के मैच पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन आ सकते हैं जैसे कि दबंग दिल्ली, और ये उनके मनोबल के लिए बहुत बढ़िया। और हमेशा हम देखते हैं जब भी कमबैक्स होते हैं सुपर टैकल्स के जरिए ही होते हैं। रॉफ सुपर टैकल का मतलब होता है दो, और मगर वो ऐसा कर नहीं पाए, दो वहां पर ले लिए पॉइंट, ऑल आउट हो गया। और ऑल आउट का मतलब ऑल इन, और शुरुआत दिल्ली ने कर दी एक पॉइंट से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एडवांस आए सोमवीर, चेन टैकल इनिशिएट कर नहीं पाए। इसके बहुत ही बेहतरीन आशु का, राकेश आए रेड पे। साथ का डिफेंस यानी कि बोनस ऑन, ओ बैकआउट की कोशिश शानदार। एक बार फिर आशीष ने कहा मेरा आशीष नहीं मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ यहां पर दबंग दिल्ली ने इस फासले को कम करने को ठान लिया है बैक होल्ड पर। बहुत ही जबरदस्त ये बैक होल्ड आशीष का। बोनस यहां पर है नहीं, आपको ज्यादा जद्द हो जाए। किक की कोशिश, एक बार फिर से दीपक ने कहा मैं ब्लॉक करने जाऊंगा, सारे दरवाजे बंद, केस सॉल्व। गुजरात जायंट्स, बिल्कुल 5 के डिफेंस में बहुत अंदर जाना पड़ता है। मंजीत गए थे अंदर किक करने की कोशिश फजल अथरा चली पे, फिर दीपक आए वो चेन लेके, और वो कॉम्बिनेशन देखने मिला हमें टैकल में। शुरुआती 10 मिनट के आखिरी के इस वक्त में प्रतीक दहिया कर रहे हैं संघर्ष, और यहां रोक लिए गए प्रतीक दहिया। एक बार फिर से स्ट्रगल जारी है, लेकिन टूट पड़ा ये डिफेंस, और इस फासले को किया है काउंट दबंग दिल्ली ने इस एक पॉइंट के साथ। सेकंड्स पर नजर डालिए, 15 सेकंड से कम, बोनस लेने का आपके पास समय है नहीं। ये वो समय होता है रेडर को और ज्यादा करना होता है डिफेंस का प्रहार। शानदार बार,
वन पॉइंट गुजरात जाएगा। दीपक सिंह एक बार फिर से शानदार फॉर्म में दिखे थे पिछले के पिछले मैच में, उसे आज दोहराते हुए बिल्कुल लगातार टैकल में इनिशिएट कर रहे दीपक, बार बार पैरों पे जा रहे रेडर के, लो जाते हैं टैकल के लिए, मोमेंटम तोड़ते रेडर का, टैकल पॉइंट्स पर नजर डालिए डू ऑर डाई में। गुजरात के छह, तरंग दिल्ली चार, एक बार फिर से ब्रिलियंट। और आज के दिन अगर आप बात करें, जी नहीं, दो पॉइंट ले गए रेडर। सोनू जागलान एक बार फिर से अपने नाम को याद दिला रहे हैं। आशु उन पर दारो मदार अब ज्यादा होगा, किक लगा रहे हैं मगर ज्यादा पास जाने की कोशिश नहीं। वेल्डर पहले किक दिखाई, उसके बाद रिवर्स टो टच, कितने स्किलफुल है, बिल्कुल किक दिखा के मोमेंटम तोड़ा, बैलेंस बिगड़ा जहां पे फजल अत्रचाली का जैसे मौका मिला वो टो टच लगा के एक पॉइंट हासिल किया आशु ने। और सबसे बड़े खिलाड़ी कौन इस टीम के, वो जो लगातार सुपर टेन, वो जो कप्तानी का दायित्व बहुत बेहतरीन तरीके से अपने युवा कंधों पर लेकर चल रहे हैं, आशु मलिक एक बार फिर से ललचाया फंसाया, स्फूर्ति के साथ अपने उस एंकल होल्ड के प्रयास से दूर गए आशु मलिक और आ गए मिड लाइन के नजदीक और भेज दिया है रेडर को बाहर। छह पॉइंट की लीड, पांच छह का डिफेंस, यानी कि बोनस आपके पास लेने की अपॉर्चुनिटी है। और रिवर्स टो टच एक बार फिर से रेडर्स की कलात्मकता हम लगातार देखते आ रहे हैं। निशांक को ये रिवर्स टो टच, दोनों टीम्स के नाम छह छह रेड पॉइंट, छह टैकल पॉइंट गुजरात के नाम, चार टैकल पॉइंट दिल्ली के नाम। ओ रिवर्स किक, सोनू का निशाना विक्रांत पर सटीक, बोनस यहां ऑन नहीं है। टाइमिंग बहुत बढ़िया, जब आप बात करेंगे उस टैकल की तो सराहना आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि टाइमिंग उम्दा थी। आशु बहुत अच्छी तरह से पॉइंट कमाते हैं, तो ये देखना होगा कि पॉइंट ला पाएंगे या नहीं। कोशिश थी आशु की लेकिन सोमवीर उनके रास्ते में आ गए और रोक लिया उन्हें निशांत, बिल्कुल डबल थाई होल्ड करके रोका आशु को। सात पॉइंट की बढ़त है और फिलहाल क्लॉक में ज्यादा कुछ बचा है नहीं। अगर आप पहले 20 मिनट की बात करते हैं, ये जंग बढ़िया रही है। छह रेड पॉइंट आशु मलिक के नाम, डिफेंस के नाम पांच। अगर आप बात करेंगे गुजरात की तो सोनू के नाम पांच, दो राकेश के नाम, एक प्रतीक भैया के नाम और चार टैकल पॉइंट्स दीपक के नाम। सात पॉइंट की लीड के साथ गुजरात जायंट्स गए थे पहले हाफ के ब्रेक में और अब यहां पर दबंग दिल्ली बिना आशु के इस मैट पर मौजूद हैं। चार का डिफेंस है और सोनू जागलान छा रहे हैं आज। जी हां सवाल, और एक बार फिर से आशीष का डाइविंग एंकल होल्ड, वन पॉइंट दबंग दिल्ली। रेडर से भले मदद ना रही है मगर डिफेंस जरूर सपोर्ट दे रहा है। बिल्कुल किक लगाने की कोशिश थी सोनू की, डाइव बहुत ही बेहतरीन आशु का, नीट हुआ है छह के डिफेंस में। कमाल का, बहुत बढ़िया मीटू। और हम बात कर रहे थे रिवाइव आपको आशु को करना होगा। बहरहाल यहां पर छह का डिफेंस है और प्रतीक दहिया आए हैं, बोनस उनके लिए ऑन है लेकिन डिफेंस चाहता है कि उन्हें बोनस ना दिया जाए। मुझे ओ बैकहोल एक बार फिर से शानदार आशीष, ऑसम, क्या बात, वन पॉइंट दबंग दिल्ली। बहुत ही जबरदस्त है बैक होल्ड आशीष का, टीम का परफॉर्म करना बहुत ही जरूरी है और डू ऑर डाई रेड आशु मलिक। आशु आशु के चैंट ने उनको प्रोत्साहन दिया, एक गलती वहां पर डिफेंस से हुई, आशु के नाम ये अंक, दिल्ली के नाम ये पॉइंट। गलती कर बैठे नबी बख्श, बहुत ज्यादा एडवांस आए। बारी है गुजरात जायंट्स की और आए हैं नितिन जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाए गए हैं। इंटरवल से पहले 19 पर थे गुजरात, अब उन्होंने वो अंक लिया है, यानी कि निशांक अगर आप देखें लगभग 4 मिनट वो शांत थे, यूं कहें दिल्ली ने उन्हें शांत रखा था। आशु मलिक को अपने ही हाफ में धर लिया, सोमवीर का ये कारनामा और शांति बिल्कुल वहां पर स्टेडियम में, पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल आज थान क्या है गुजरात के डिफेंडर्स आशु को जो अटैक करना है और कितना एडवांस आए थे सोमवीर, उसके बाद फजल अत्रचाली का सपोर्ट। देखिए स्क्रिप्ट तो कमेंट्री बॉक्स से लिखी जा रही है, आशु बेंच से वहां पर इस बात को निहार रहे हैं, पॉइंट लाने की हसरत पूरी करनी है तो दिमाग की बत्ती जलानी ही होगी। और जंप लगाने की कोशिश मगर कहां से जाएंगे, दरवाजा बंद के सॉल पॉइंट ले लिया दबंग दिल्ली। बहुत ही बेहतरीन ये जंप था सोनू का,
राइट एस्केप कर गए थे, पर आशीष की तारीफ करना चाहूंगा, सही समय पे रोक लिया एस्केप रूट पे सोनू को। और अब मीतू शर्मा दबंग दिल्ली के डू और डाई रेड में चार के डिफेंस पर, आशु मलिक को क्या ये रिवाइव कर पाएंगे? अक्सर आशु मलिक दिखते हैं हमें डू और डाई रेड में, उनके पास बेहतरीन फॉर्म है जब डू और डाई रेड की बात होती है। और मीतू शर्मा ने काम कर दिया, आशु मलिक को रिवाइव कर दिया, बिल्कुल रिवाइव कर दिया। और सोमवीर ने कहा कि लीजिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाइए, इतना क्लोज आ गए मिड लाइन के, ये लीजिए। बिल्कुल बहुत एडवांस आने पे मजबूर किया सोमवीर को, जीतना आसान होगा नहीं, इनिशिएट करना होगा, टैकल पे जाना होगा। जी हाँ, फाइटर जेट हमेशा सेफ रहती हैं जब पास रहते हैं, मगर ऐसे खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आशु की किक का शिकार बनेंगे। जिन्हें उड़ने का खौफ नहीं होता, उन्हें गिरने का भी डर नहीं होता। राइट, बहुत ही अच्छा किक है। जैसे हम बात कर रहे थे पैडी, अगर वेट करेंगे हमेशा तो वेट करते ही रहेंगे, आपको टैकल इनिशिएट करना होगा। डीप जब आएंगे रेडर तो आपके पास काबिलियत है रेडर को टैकल करने की, और वो करके दिखाना होगा। ओ, एक बार फिर से एरर वहां पर, योगेश के नाम कोच, उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखिए और उनकी तरफ देखिएगा, मत जाएंगे तो क्लास लगेगी। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस गए योगेश, ऑल आउट के कगार पे थी ये टीम। तीन पॉइंट का फर्क दोनों टीम्स के बीच, रॉक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, आशु मलिक का शिकार, कसम का प्रहार, सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल, गुजरात जितेंद्र के नाम होगा, मगर की चक्कर। बिल्कुल मौका बना के दिया आशु ने, बहुत डीप चले गए, कॉन्फिडेंट लगे नहीं, और एंकल होल्ड जितेंद्र का बहुत ही बेहतरीन, उसके बाद पूरे टीम का सपोर्ट प्रतीक दीपक। ये डू और डाई रेड अगली दिल्ली के लिए है, मगर ये भी गुजरात के लिए डू और डाई रेड है, और जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो वो अनिवार्य हो जाता है, और ऐसे में उम्दा कार्य हो जाता है। डिफेंस ने कहा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, योगेश का कमाल, वन पॉइंट दबंग दिल्ली। योगेश को हमने लगातार देखा है वो रनिंग चेन लेकर आते हैं या फिर सिंगल ब्लॉक के लिए, अंदर गए थे प्रदीप, सब्स्टिट्यूट बुलाए गए सुनील। एक बार फिर से रॉफ सुपर टैकल का खौफ है जो गुजरात जायंट्स ने आज दो बार मुकम्मल किया है, तीसरी बार वही काम फिर से दोहराया, रॉफ सुपर टैकल दीपक के नाम, इस बार फिर से हाई फाइव अपना पूरा किया, मगर की चक्कर से बचना था मुश्किल। लगातार अपनी अच्छी फॉर्म को बरकरार वहां पर रखते हुए, टाइमिंग देखिए आप उसकी, जैसे ही किक ऊपर गई वो बिल्कुल छोटे ब्लॉक के साथ, उस छोटे ब्लॉक को आपने कन्वर्ट किया एक डैश में और रेडर को भेजा, डू और डाई रेड, रेडर का ऐलान है, आया हूं पाले में तुम्हारे पॉइंट लेके जाऊंगा, तुम ढूंढते रहना मैं हाथ लाऊंगा। मगर डिफेंस वहां पर कह रहे हैं 15 सेकंड का समय शेष रह गया है, हम अनुशासन दिखाएंगे, इनको हमारे पास आना ही होगा, डू और डाई रेड होती है रेडर के लिए, 7 सेकंड से कम का समय शेष, डिफेंस बहुत बढ़िया कार्य करते हुए, अब यहां पर जरूरत नहीं थी 26 सेकंड तक अच्छा काम करने का, ये मतलब नहीं है कि आप पॉइंट ले लिया। सोनू को वहां पर रिस्क लेने की आवश्यकता थी, लेकिन डिफेंडर्स ने रिस्क ले लिया, रिशांग बिल्कुल डिफेंडर ने रिस्क ले लिया। और सोनू की मैं तारीफ करना चाहूंगा, अंदर गए नहीं, फुटवर्क करके बाहर से ही ललचा रहे थे, और सही मायने में देखे तो सुपर टैकल्स ही नजर आते हैं, जो तीन सुपर टैकल्स हुए, बिल्कुल वहां से ही पूरा गेम जो है वो चेंज हुआ दबंग दिल्ली के लिए। और ये बहुत ही अच्छा एस्केप मनु का, आशु को रिवाइव करने में कामयाब रहे, सब्स्टिट्यूट के तरफ तौर पर आए, अच्छी तरह से ट्विस्ट किया यहां पर मनु ने, और आशु को भी कर दिया रिवाइव उसके साथ साथ, 45%, आशु मलिक ने यहां पॉइंट लिया, क्यों दबंग दिल्ली को उनकी जरूरत है, लगातार आशु मलिक सिद्ध करते जाते हैं, और इससे एक पॉइंट से मोमेंटम आ सकता है आशु मलिक के लिए। दीप गए थे, किक लगाने की कोशिश थी दीपक के ऊपर, सुपर टैकल में रेडर को अपने ही हाथ में धरा है, क्या एक बार फिर यहां पर धर पाएंगे? दोनों टीमों का फासला 6 अंकों का, एक बार फिर प्रयास, इस बार ये खेल नहीं चलेगा, आशु मलिक ने कहा ये अंक मेरे नाम, दीपक वहां पर बाहर जाएंगे। इसके साथ साथ अपना सुपर 10 पूरा किया आशु मलिक ने, 7वां सुपर 10,
इस सीजन में। और अब यहाँ पर गुजरात जायंट्स के कोच जो थोड़े से चिंतित हैं, उन्हें ग्रीन कार्ड मिला। नितिन यहाँ पर आए और दायित्व उनका बढ़ जाता है, बोनस से रिवाइवल होता है नहीं, मगर ये क्या कर बैठे, एक बार बल्ला लगाता बहुत ही बढ़िया, बैक होल्ड हो सकता है मगर नहीं, और टच पॉइंट का मतलब एक खिलाड़ी आपका और रिवाइव होगा। बिल्कुल बहुत सारे एडवांस आए, दूसरी बार ये गलती करते हुए योगेश नितिन को दोबारा पॉइंट दिया, पर फसल अतरा चली अंदर आए रिवाइव होके, जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। रॉक सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी यहां पर गुजरात जायंट्स के लिए, फसल ने शुरुआत की, फसल बाहर जाएंगे एक बार फिर से अंक लेकर, अंशुमन इतने इंडिविजुअल राइवलरी पर अपने हस्ताक्षर किए, गुजरात जायंट्स फिर दो खिलाड़ियों पर। ये रेड में ऑल आउट होना बहुत जरूरी है और आशु मलिक पे ये जिम्मेदारी होगी, ऑल आउट लेना होगा, नबी बख्श को वो टच इनिशिएट करना होगा पहले। अब देखना ये कि एक अंक मिला है या दो मिले, एक अंक मिला है यानी कि अभी भी यहां से दो कम से कम रेड और होंगी, दोनों ही टीम्स के बीच का फासला अब चार अंक का होकर रह गया है, यानी कि अगर अब रेडर जाएंगे उनको आप धर लेंगे, तीन अंक आपको मिलेंगे। और बोनस नहीं देना होगा नबी बख्श को, देखिए आपको बोनस नहीं देना होगा, सबसे पहली बात आप बोनस मत दीजिए, ये इकलौते खिलाड़ी हैं और ये समय जाया करेंगे, इसके बाद एक रेड का समय और मिलेगा, और अगर आप जाकर उनको एक अंक आप ले भी लेंगे, ऑल आउट कर भी देंगे, आपको तीन मिलेंगे, जो भी करना जल्दी करना पड़ेगा। और ये कमाल हो गया, दिल्ली की वापसी के साथ जो इससे पहले सिर्फ दो रेड पॉइंट सीजन में लेकर आए थे, ये टाइमिंग देखिए, ये कला देखिए, ये वार देखिए। और तारीफ करना चाहूंगा मैं कोच की, जब जब सब्स्टिट्यूशन किया है हर एक प्लेयर ने स्टेप अप करके दिखाया है, बात करें नितिन की, बात करें नबी बख्श की, बहुत ही बेहतरीन आज सब्स्टिट्यूशन देखने मिला हमें। और अब यहां पर दबंग दिल्ली के वापसी के दरवाजे बंद, गुजरात जायंट्स का की तरफ से नबी बख्श का जो रेड था इस पूरे मुकाबले को उनके पक्ष में रख लिया है। आखिरी रेड, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बॉक लाइन पार करेंगे, वापस आएंगे और अपनी टीम के साथ जश्न मनाएंगे। जी हां, और दिल्ली के नाम ये हार, गुजरात जायंट्स वो टीम जो पिछला मुकाबला 20 अंकों से हार कर आई थी, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने सब्स्टिट्यूशंस के आधार पर उन्होंने और सुपर टैकल्स के आधार पर ये जीत अपने नाम दर्ज की। 26 दिल्ली, गुजरात 31, नबी बख्श की ये सफलतम रेड, उसका टाइमिंग आप देखिए, अगर यहां पर ऑल आउट कर लेते बात कुछ और होती, मगर ये पासा उल्टा पड़ा, एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन कामयाब कोच का। पिछले 7 मुकाबलों में हार का चेहरा नहीं देखा था दबंग दिल्ली ने, आज इस प्रणाली को बदलते हुए गुजरात जायंट्स आज एक बार फिर से जीत के साथ एक बहुत ही बड़ा ऐलान करते हुए कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। टॉप 6 की इस रेस में गुजरात जायंट्स शुरुआत से ही एक फेवरेट कंटेंडर थे और वो बरकरार रहेंगे उस रूप में। आज डिफेंस भी पूरी तरह से चमका है, फिर से एक बार दीपक जले और आज उन्होंने अपने हाई फाइव को पूरा किया, 6 टैकल पॉइंट्स। जी हाँ, बहुत बढ़िया, 8वीं जीत टीम के नाम और तीसरी पायदान पर पहुंच गए हैं पॉइंट्स टेबल में।